से अगरति ब्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, सुबह सुबह टाइम है और ये देखो इस तरह से बारिश हो रही है और ये ग्रीनरी कुछ इस तरह से है। ये देखो पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये देखो अभी बारिश आके गई है और ऐसा मौसम हो रहा है और बादल कुछ इस तरह से हो रहे हैं। देखो कितना शानदार मौसम हो रहा है, सर्दी का मौसम है और ऊपर से बारिश, सुबह से बारिश हो रही है। अब करीब 5 बज रहे हैं और 5 बजे देखो कैसा मौसम हो रहा है। ये देखो मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, पेड़ पौधों में पानी, गायें खड़ी है, ये देखो इस तरह से मौसम हो रहा है। देखो कितना शानदार मौसम, और भी ऐसे इस ऐसे मौसम में ऐसे होता है गरम गरम पकौड़ी हो या समोसे हो। और आज हमारे जो रमेश कचौरी है, कचौरी की दुकान है, हाँ वो भी बंद है। तो यहाँ पे पास में ही कचौरी की दुकान है, रमेश वाला, रमेश कचौरी वाला, उसकी दुकान भी बंद है। तो आज सोच रही हूँ आज पकौड़ी बना ले। इस तरह से मौसम की ये हो रही है, भयंकर वाला मौसम हो रहा है। जय श्री राम के झंडे हैं वो भी देखो गीले हो गए हैं। बिल्डिंग के पास में इसके ऊपर भी एक झंडा लगा हुआ है, हमारे छत पे भी है। और ये हमारे कदम का पेड़ जो कुछ इस तरह से हो गया बेचारा ठंड के मारे, इसके अंदर जो फूल है कदम के वो हमेशा लगे रहते हैं। अब की बार इसको यहाँ से कटवा दिया था तो जो हमारी छत है यहाँ तक नहीं आता, नीतू के लिए यहाँ तक आता था। और गाय की हालत कुछ इस तरह से हो रही है देखो बेचारी, ये देखो यहाँ पे एक गाय खड़ी है और एक वहाँ पे गाय खड़ी है, सर्दी के मारे ठिठुर रही बेचारी। हमारे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, देखो शानदार तो नहीं कह सकते, ठंड बढ़ गई है, बढ़ जाएगी ठंड। इस गाय से चला नहीं जाता बेचारी से, देखो ऐसे चल रही है, इस तरह से चल रही है बेचारी, है कम ही चला जाता है इससे, कोई डाल देता है यहाँ ला करके खाना तो लेती। और पानी कितना भर गया है बीच में रोड के ऊपर। यहाँ का मौसम थोड़ा यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा था तो मैं सोचा यहाँ से ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि अंदर तो अभी तनु है, तनु सो रही है और मैं इधर बैठ के मैंने कहा थोड़ी देर मौसम दिखा दूँ आप लोगों को, मौसम की जानकारी दे दूँ किस तरह से मौसम हो रहा है आज। और सर्दी के टाइम पे मौसम हो ऐसी बारिश होना बड़े वो होती है। तो आज का तो ये छोटा सा व्लॉग बन पाया है, तो आप बताना कैसा लगा। और कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट और शानदार से व्लॉग के साथ में। पहले ने लिए को वापस बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं यहीं बैठी थी और टप टप की आवाज़ आई, ये देखो इधर से ऐसे दिखेगी तो नहीं आपको लेकिन ऐसे लग रहा है आवाज़ आ रही है बिल्कुल कि बारिश वापस स्टार्ट हो गई। मैं यहीं बैठी थी और देखो तार पे देखो आप, इन तारों के ऊपर देखो बिजली के जो तार हैं उनके ऊपर ये देखो उसकी बूंदे, ये यहाँ पे ये बूंदे हैं ये वाली, ये देखो मौसम से हो रहा है। ये देखो वहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ गिर, ये देखो यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, इस तरह से बूंदे गिर रही है तो पता चल रहा है कि पानी गिर रहा है, बारिश आ रही है। देखो गाड़ियों के ऊपर भी पानी गिर रहा है, बारिश की वजह से बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए मैंने ये आंवले कस दिए थे। और फिर आंवले कसने के बाद में ये जो इनका जूस है ये जैसे कस दिए, अब इनको तो सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इनका पाउडर बना करके, और जैसे
खाना खाने के बाद रात को इसका चूर्ण और थोड़ा सा वो सेंधा नमक डाल करके और फाकी लेनी है 1 चम्मच में। इससे क्या है कि हाजमा एकदम सही रहता है। ये कुछ इस तरह से हो गया और इसका रस मैंने ये निकाल लिया पूरा। अब इसके अंदर मैंने आधा ढक्कन मतलब ये 2 चम्मच जो है चीनी के डाल दिए हैं। और अब मैं इधर कूट रही हूँ, ये है काली मिर्ची और इलायची। काली मिर्ची और अदरक, काली मिर्ची और उसका पाउडर है, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी इस तरह से। अभी क्या है थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा पक जाएगी काली मिर्ची और जो इलायची है वो, उसके बाद इसको कांच की शीशी के अंदर भर के रख देते हैं। और गर्मियों में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इसका जो जूस है एक एक ढक्कन का एक एक गिलास बन जाएगा इतने से। मतलब ये एक ढक्कन हो गया और इसका एक गिलास बन जाएगा। इसमें अब चीनी डाल दी है मैंने और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे। अपना सेंधा नमक, ये रहा सेंधा नमक, इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसके अंदर इसको मेल्ट कर देते हैं। अब मेरे को लग रहा ज़्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा में पानी भी आएगा इसके अंदर जब अपन इसको पियेंगे तो मेल्ट हो जाएगा ये इसके अंदर। और जब गर्मी अधिक हो जैसे मई जून में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है उस समय अपने को इसको यूज़ करना है। इसको कांच की बोतल में ही बंद करके रखना है, फ्रिज में रखो या बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्म नहीं होता ये। तो इस तरह से ये जूस बन करके तैयार हो रहा है अपना। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है और बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, पी लेते हैं इसको। अब जो गैस की फ्लेम है उसको कर देते हैं ऑफ़ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और इसको हम सूखा लेंगे, पेपर पे सूखा करके और 2-3 दिन के लिए रख देंगे। फिर एकदम सूखा हो जाएगा उसके बाद इसका चूरण बना लेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना चूरण बना के रख लेंगे, बाकी वैसे ही रख देंगे क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं सकते। मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है भयंकर वाला ही, बारिश हो रही है अभी भी। तो मैं अभी वीडियो बाहर का वीडियो तो बना नहीं सकती, इसलिए ये मैंने अंदर ही ये बना दिया है। और एक रेसिपी अब आपकी हो गई है, देखो टेस्ट में बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसको छानना नहीं है, इसको ऐसे का ऐसे ही डालना है ताकि इसकी तासीर इसके अंदर रहे और जब हम इसको काम में लें तब इसको छान लें। जितना काम में लेना उतना उसको काम में ले लें और बाकी रहने दें ऐसे कैसे। मेरे पास ये कांच की बोतल है, इसके अंदर मैं इसको डालूंगी और इतनी है बस, ये करीब 500 ग्राम के आसपास होगी। तो इसके अंदर डाल के इसको रख दूंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और शानदार व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शुरू से सपोर्टर हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।